दिल्ली की सड़कों को आधुनिक करने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार विदेशों की तर्ज पर दिल्ली की सड़कों को डेवलप कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मयूर विहार फेज 1 की सर्विस रोड का उद्घाटन किया है और इसकी शुरुआत से दिल्ली नोएडा का सफर अब आसान होगा। सड़कों के आधुनिकीकरण पर दिल्ली सरकार का जोर, मयूर विहार फेज 1 की सर्विस रोड का उद्घाटन, अब दिल्ली नोएडा का सफर हुआ आसान, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली में सड़कों के मॉडिफिकेशन पर दिल्ली सरकार जोर दे रही है। देशों की तर्ज पर दिल्ली की सड़कों को ढाला जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मयूर विहार फेज सर्विस रोड, रैंप, लूप और साइकिल ट्रैक का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके शुरू होने से अब दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करना आसान हो गया है। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम हुए हैं। अब दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है और इसलिए पीडब्ल्यूडी सभी प्रोजेक्ट समय से और कम लागत में पूरा कर लेता है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 6-7 साल के अंदर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के खासकर बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए हैं और जिस तेजी के साथ पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है, समय से कम समय में पीडब्ल्यूडी अपने प्रोजेक्ट पूरे कर लेता है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट से उसमें बचत करता है, डिजाइन इस तरह से बनाए जाते हैं जो कि ज्यादा टिकाऊ होते हैं और बचत करने वाले होते हैं, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है, पीडब्ल्यूडी बहुत शानदार काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पे दिल्ली में ले जाने की पूरी तैयारी चल रही है। वही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है, केजरीवाल सरकार दिल्ली में सड़कों का मॉडिफिकेशन कर रही है। इस रैंप और सर्विस रोड के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, इससे नोएडा, मयूर विहार 1 और अक्षरधाम के बीच यात्रा करने वाले लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। बता दें कि मयूर विहार रैंप और सर्विस रोड दिल्ली के मयूर विहार से सराय काले खां तक फेज 3 एक्सटेंशन के तहत 12 पुला एलिवेटेड रोड कॉरिडोर का हिस्सा है। ये रैंप और सर्विस रोड प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। इन रैंपों से नोएडा के मयूर विहार फेज 1 और मयूर विहार फेज 1 से अक्षरधाम की तरफ जाने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी। पर्यटन के लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।